सुंदर झंडा का है। आपको जो तिरंगा लहराता फहराता दिखाई दे रहा है, इस तिरंगे की बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। ये 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था बिना आजाद होते हुए, कि एक दिन 26 जनवरी को हम जरूर आजाद होंगे। और वास्तव में वो चरितार्थ हुआ हमारे उन वीर शहीदों की वजह से। आज मैं नमन करता हूँ उन वीर शहीदों को, उन वीर शहीदों की उन माताओं को जिन्होंने अपने दूध से ऐसा सींचा उनको, और जाते जाते यही कहा कि बेटा कभी मेरा दूध मत रजा देना, इस देश की बलिवेदी पे चाहे कुछ भी कर जाना, हंसते हंसते मिट जाना, लेकिन मेरे दूध की लाज रखना। नमन करता हूँ उन वीर विधवाओं को जिन्होंने अपने माथे के सिंदूर से ये सिंदूर पहुंच के तिरंगे पे समर्पित कर दिया कि मुझे सिंदूर नहीं चाहिए, मुझे मेरी मातृभूमि की रक्षा चाहिए। नमन करता हूँ उन बूढ़े बूढ़े वृद्ध पिताओं को जिन्होंने अपने जवान बेटों को अपने कंधों से सहारा दिया और गर्व के आंसू ये कहते हुए निकाले कि बेटा आज जन्म लगा, आज मुझे ये लगा कि शायद मेरा जीवन चरितार्थ हो गया तुम्हारे जैसे बेटों को जन्म देकर। और नमन करता हूँ छोटे छोटे नौ नौनिहालों को जिन्होंने अपने पिताओं को, आंखों में आंसू लिए, बस गर्व की भावना लिए, अग्नि दी और ये संकल्प लिया कि हे भगवान हमें भी ऐसा मौका देना और मैं भी इस देश की सीमा पे जाके अपने पिता की तरह देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाऊंगा। दोस्तों इस तिरंगे की आन बान शान जो हमें दिखाई देती है कल्हण के काव्य में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कृष्ण की गीता में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, अभिमन्यु के बलिदान में, प्रताप के स्वाभिमान में और शहीद भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद में दिखाई देता है ये हमारा तिरंगा। कभी इस तिरंगे को झुकने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज के इस दिन पे केवल परमपिता परमेश्वर से इतना मांगते हैं कि मेरी आंखों में इस धरती का सौपन हो, मरुण द्वारकी पे तिरंगे का कफन हो और कोई हसरत नहीं बाकी, अगर फिर जन्म लेने का मौका मिले तो बस यही वतन हो, बस यही वतन। इस वतन को नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जब भी ये देश आवाज लगाएगा इस देश के लिए हम आन बान और शान से तत्पर रहेंगे और जो कुछ हमसे संभव बनेगा हम करेंगे। कार्यक्रम को आगे